नमस्ते एवरीवन, आई एम तन्मय कुमार और आप देख रहे हैं तन्मय उन्नति टैलेंट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द न्यू चैप्टर साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 सॉर्टिंग मटेरियल्स द टॉपिक व्हाट इज क्लासिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन होता क्या है और हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सो लेट्स लुक अबाउट क्लासिफिकेशन सॉर्टिंग मटेरियल्स। So, chapter 5, sorting materials. So friends, let's get started. So here the question states that look at the image given below and find the odd object. What is the basis for grouping the rest of the things together? Write down in the space provided. So friends, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक स्टडी टेबल है। सो इस स्टडी टेबल, जैसे कि हमें पता है कि स्टडी टेबल पर स्टेशनरी थिंग्स रखती हैं, को भी स्टडी मटेरियल्स होती हैं। पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक फुटबॉल है, अब फुटबॉल है सो आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि जो फुटबॉल है वो तो स्टडी मटेरियल्स में आता नहीं है, वो तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है। सो यहाँ से फुटबॉल डिसक्लासिफाइड हो जाएगा। बाकी सारे थिंग्स आप देख रहे हैं जैसे कि लैम्प, पेपर, स्केल, इरेजर, पेंसिल, बैग्स एंड नोटबुक्स, सो ये सब स्टडी मटेरियल्स हैं। पर फुटबॉल तो स्टडी मटेरियल नहीं है। क्यों यह स्टडी मटेरियल नहीं है? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक जो पोजेस करता है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है, ये किस तरह से क्या प्रॉपर्टीज लेता है, ये किस यूज़ में आता है, इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो सॉर्टिंग मटेरियल सिंपल मीनिंग में यही हुआ कि जो भी ग्रुप ऑफ मटेरियल, आपको कोई भी ग्रुप ऑफ मटेरियल्स दिखे उसमें से किसी भी ऑड वन ऑब्जेक्ट को फाइंड करना या फिर मटेरियल्स के एक सेट को अरेंज करना, वो सॉर्टिंग मटेरियल्स कहलाता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि फुटबॉल यहाँ पर ऑड वन आउट है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर दैट फुटबॉल इज एन ऑड ऑब्जेक्ट। ओके, सो फुटबॉल इज एन ऑड ऑब्जेक्ट एज इट इज नॉट स्टेशनरी। तो क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है, बाकी सारे चीज़ यहाँ पर स्टेशनरी है, इसलिए फुटबॉल यहाँ से डिसक्लासीफाई हो जाएगा। अब हम मेन पैराग्राफ में आते हैं कि इन आवर एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी इंस्टेंसेस वेयर वी नीड टू अरेंज आवर सॉर्ट मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो टू अ लाइब्रेरी यू कैन सी बुक्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एट होम इन द किचन यू मस्ट हैव सीन योर मदर अरेंजिंग ग्रॉसरीज और यूटेंसिल्स इन डिफरेंट रैक्स और कबर्ड्स। सॉर्टिंग और अरेंजिंग मटीरियल्स हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स इजिली व्हेन वी नीड देम। सो हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि किसी भी चीज़ को अरेंज हमें करना पड़ता है एक ग्रुप में। जैसे कि अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपको क्या दिखते हैं? सिर्फ बुक्स दिखते हैं, ठीक है। अब बुक्स के अलावा कोई और मटेरियल्स तो नहीं दिखता आपको वहाँ पर, कोई भी स्पोर्ट्स के थिंग्स तो नहीं दिखते आपको, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ बुक्स को ही रखा जा सकता है, जहाँ पर सिर्फ बुक्स को ही अरेंज किया जा सकता है और किसी भी चीज़ को नहीं। और अपने होम में भी आप देख लीजिए, जैसे कि किचन यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, किचन में हम देखते हैं किचन यूटेंसिल्स, बर्तन, प्लेट्स एंड ग्लासेस, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो यहाँ पर आप देखते हैं कि प्लेट्स, जो भी प्लेट्स होते हैं उनको अलग, हमारी मदर जो है उनको अलग अरेंज करती है, प्लेट्स को अलग अरेंज करती है, स्पाइसेस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं उनको अलग अरेंज करती हैं, और जो भी रेफ्रिजरेटर मटेरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको रेफ्रिजरेटर में रखती है। तो हुआ कि नहीं है कोई सॉर्टिंग मटेरियल्स, हम यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों को उनके प्रॉपर्टी के अनुसार क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो कहाँ होने चाहिए, यानी कि बुक्स लाइब्रेरी में होने चाहिए, किचन के यूटेंसिल्स किचन में होने चाहिए। अब जो भी है, सो दैट्स नोन एज द सॉर्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पर जो भी प्लेस अपने ग्रुप में है होती है उसे सॉर्टिंग मटेरियल्स कहते हैं। तो सॉर्टिंग और अरेंजिंग मटेरियल्स हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स इजीली व्हेन वी नीड देम, यस ऑफ कोर्स। सो
सॉर्टिंग करने से एक एडवांटेज है, यानी कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से क्लासिफाई करके किसी भी ग्रुप में स्टोर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किचन का एग्जांपल दिया गया है, तो प्लेट्स को अगर किचन में रखेंगे तो हमारी मदर उसे इजीली फाइंड कर पाएंगी, पर अगर किचन किसी और रूम में हो, सपोज बेडरूम में हो, तो वी कॉन्ट फाइंड इट ऑल एट ऑल. ओके, सो अरेंजिंग मटेरियल, चीज़ों को अरेंज करना हमारी लाइफ में भी और एज वेल एज साइंस के सब्जेक्ट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थिंग्स और मटेरियल्स इन अ ग्रुप और कैटेगरी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. यस, सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन दी गई है कि वॉट इज क्लासिफिकेशन. सिंपली कि मटीरियल्स को किसी भी ग्रुप में अरेंज करना, किसी भी ग्रुप में रखना, वो कहलाता है क्लासिफिकेशन, कि कौन से मटेरियल कौन से ग्रुप में होनी चाहिए, कौन से ग्रुप में नहीं होनी चाहिए. इन एनी क्लासिफिकेशन थिंग्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स. यस, सो किसी भी चीज़ को अगर हम एक ग्रुप में रखते हैं तो उसकी कोई सिमिलरिटी, यानी कि उसकी कोई सिमिलैरिटी होगी, यानी कि एक जैसे समान चीज़ें, जैसे कि लाइब्रेरी में देखते हैं तो लाइब्रेरी में सभी जो भी मटेरियल्स है वो बुक्स रखी हुई हैं, सो जो सभी बुक्स हैं वो मिलते हैं, सो डैट सिमिलरिटीज़. और अगर हम लाइब्रेरी में कोई स्पोर्ट्स की मटेरियल्स रख दे तो वो उसका डिफरेंसेस हो गया, तो स्पोर्ट्स की मटेरियल तो लाइब्रेरी में नहीं होनी चाहिए. सो उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंस में से हम जानते हैं कि कौन सी चीज़ वहाँ होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए. जैसे कि हमने इस एक्टिविटी में भी देखा, जो यहाँ पर बताता है कि फुटबॉल इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के टेबल्स में नहीं होने चाहिए. एंड द लास्ट वन विच डिस्कस, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन विच मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड. सो अब हम अगले सेशंस में, अगले वीडियोस में ये पढ़ेंगे कि हम मटेरियल्स को किस थिंग से, किस ऑर्डर से अरेंज कर सकते हैं, किस प्रॉपर्टी से अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इट्स गिवन. सो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इट्स गिवन दैट लस्टर, टेक्सचर, हार्डनेस, स्टेट, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी. सो इन सभी चीज़ों से साइंस के ब्रांच में, साइंस में इन सभी चीज़ों से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट किया जाता है. ठीक है, सो ये सभी टॉपिक्स हम अपने अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. एंड इन दिस वीडियो वी हैव लर्न्ड अबाउट व्हाट इज क्लासिफिकेशन. सो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, सो डू मोर एंड मोर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो. Never forget to press the bell icon to get all the notifications from my channel. Thank you. Stay safe.